الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت صفت رحمت و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اجر سے ثواب سے مغفرت سے نوازنے کے لیے دنیا کی کئی بابرکت جگہوں کو اور کئی خاص دنوں اور راتوں کو چن لیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا اجر دوسری مسجدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھایا ہے. صحیح احادیث میں یہ بات ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر 100,000 نماز کے برابر ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 نماز کے برابر ہے. مسجد اقصی میں بیت المقدس میں نماز کا اجر 500 نمازوں کے برابر ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کی شان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس مقامات پر نماز کے اور دیگر عبادتوں کے اجر میں اضافہ فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے مختلف دنوں کو چن لیا جن کو دوسرے ایام پر دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ پورے سال میں سب سے افضل دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو قرار دیا گیا. پورے سال میں سب سے بہترین دن افضل ترین دن یوم عرفہ ہے, جس دن اللہ سے محبت و تعلق رکھنے والے احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سے لو لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کے لیے ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں. تمام انسان اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر جمعہ کا دن برکت والا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو رحمت برکت اور اجر والا دن بنایا. دنوں میں سرداری کا شرف جمعہ کے دن کو دیا اور ارشاد فرما دیا گیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعہ کے دن اذان دی جائے اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو, خریدنا بیچنا چھوڑ دو, اللہ کی یاد میں لگ جاؤ, اللہ کے ذکر کی طرف لپک کر چلو. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف راتوں کو بھی برکتوں سے دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ نوازا ہے. یوں تو ہر رات اللہ تعالیٰ
अपने बंदों के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है। सही हदीस में ये बात है कि जब रात का आखिरी पहर होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी पुकारता है, है कोई अपनी जरूरत मांगने वाला कि जिसकी जरूरत मैं पूरी करूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत कर दूं, है कोई रोजी का तलबगार कि जिसको मैं रोजी अता करूं। आज दुनिया के इंसान जो अपनी जरूरतों और हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों और मुसीबतों के लिए मुख्तलिफ दरों से, मुख्तलिफ जगहों से मदद के तालिब होते हैं और इनकी और उनके आगे हाथ फैलाते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन राह ये थी कि वो रात के आखिरी पहर अल्लाह की बारगाह में अपनी जरूरतों का इजहार करते। जो मांगते पाक परवरदिगार से मांगते, रोजी की तलब अल्लाह की बारगाह में पेश करते। अफसोस कि हमने अल्लाह के दर से अपने आप को तोड़ा और दूसरे दरों से अपने आप को जोड़ा। अफसोस कि हमने खालिक से अपने आप को दूर किया और मखलूक से अपनी उम्मीदें वाबस्ता की। जो अल्लाह से उम्मीद रखता है नवाजा जाता है, जो खालिक से उम्मीदों को काट कर मखलूक से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करता है वो हमेशा हैरान परेशान ही रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सब पूछा था, गुजारिश की थी, अल्लाह के रसूल नसीहत फरमा दीजिए और मुख्तसर नसीहत कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मुख्तसर नसीहतें फरमाई। इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो गोया के दुनिया से रुखसत हो रहे हो, यानी हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ कर पढ़ो। ये ख्याल करो कि अब इस नमाज के बाद दूसरी नमाज नसीब नहीं होने वाली है। फिर फरमाया, अपनी जुबान से कोई ऐसी बात न कहो कि जिस पर कल तुम्हें माजरत करनी पड़ जाए, माफी मांगनी पड़ जाए। नाप तौल कर, गौर व फिक्र करके अपनी जुबान से कोई बात कहो। जो इंसान सोच कर बोलता है वो पछताता नहीं, जो इंसान बगैर सोचे समझे बोलता है और ज्यादा बोलता रहता है वो नुकसान उठाता है। समझे ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से वो जहन्नम का हकदार हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। इसीलिए हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बार बार इसकी नसीहत फरमाई है कि जुबान को रोके रखो, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। तीसरी नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि वजमईल अयास माफी ऐदिन्नास, जो कुछ लोगों के पास है उससे अपने आप को मायूस कर लो, अपने आप को उस चीज से बिल्कुल अलग कर लो। इंसानों के पास माल है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, ओहदे और मनसब है, उन सब से इंसान अपने आप को ना उम्मीद कर ले। उम्मीद और खौफ सिर्फ अल्लाह की जात से हो। तो इंसान अपनी जरूरतों को रात के आखिरी पहर अल्लाह की बारगाह में पेश करे, यही उसके लिए इज्जत का रास्ता है और कामयाबी की राह है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरव मंजिल ही नहीं। अल्लाह ताला तो नवाजना चाहता है लेकिन हम अल्लाह से लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हर रात अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होता है लेकिन खास तरीके पर। अल्लाह ताला कुछ रातों में अपनी रहमतों को, बरकतों को और दुआ की कबूलियत को फैलाता है। बरकत और रहमत वाली रात
सबसे ज्यादा अफजलियत वाली रात शब कद्र है, जिसकी फजीलत कुरान मजीद में आई है। फिर अल्लाह ताला ने जुमा की रात को भी बरकत वाली रात बनाया है, और शाबान की 15वीं शब जिसे शब बरात कहा जाता है, अरबी में लैलतुल बराह कहा जाता है, इसे भी अल्लाह ताला ने बरकत वाली मग़फ़रत वाली रात बनाया है। शाबान का महीना भी फजीलत वाला है, और शाबान की ये मुबारक रात भी बरकत और फजीलत वाली है। शाबान इस लिहाज से अहम महीना है कि ये रमजान का दरवाजा है, इसके बाद रमजानुल मुबारक आता है जिसमें हर तरफ खैर और बरकत फैल जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बकसरत रोजा रखते थे। आपसे पूछा गया कि आप रमजान के अलावा शाबान जितने रोजे किसी भी महीने में नहीं रखते। बाज हदीसों में तो यहां तक आया है कि तकरीबन पूरा शाबान आप रोजा रखते थे। रोजे का सिलसिला शुरू होता तो ऐसा महसूस होता कि अब आप इफ्तार नहीं फरमाएंगे, यानी रोजा नहीं छोड़ेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप शाबान में बकसरत रोजे क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब और रमजान के दरमियान ये एक ऐसा महीना है कि लोग इससे गाफिल रह जाते हैं। ये ऐसा महीना है जिसमें आमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा अमल उठाया जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं। एक हदीस में ये बात भी आई है कि पूरे साल में जितने लोगों की रूहें कब्ज की जाने वाली हैं, उन सब के नामों की फहरिस्त सुपुर्द की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा नाम रूह कब्ज होने वालों में शामिल हो तो मैं इस हालत में हूं कि अल्लाह के लिए रोजेदार हूं। तो शाबान बरकत वाला महीना है, और रमजान की तैयारी के लिए इस महीने में अल्लाह ताला ने ये इंतजाम फरमाया है कि एक ऐसी मुबारक रात रखी है जिसमें इबादत करके इंसान अपने आप को रमजान के लिए पाक साफ करेगा। रोजे रख के अपने दिल को रमजान की बरकतें हासिल करने के लिए तरोताजा और सरसब्ज शादाब करें। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शब बरात की अहमियत व फजीलत बयान करते हुए अपनी किताब गनियतुत तालिबीन में तहरीर फरमाया है कि जिस तरह अहले ईमान के लिए दुनिया में दो ईदें हैं, ईदुल फितर और ईदुल अजहा, उसी तरह आसमान वालों के लिए दो ईदें हैं, एक लैलतुल बराअ यानी शब बरात और दूसरे लैलतुल कद्र यानी शब कद्र। ये बात भी तहरीर फरमाई है कि इंसान चूंकि दिन को जागते हैं और रात को सोते हैं, इसलिए उनके लिए ईद का दिन सुबह के वक्त में, दिन के वक्त में रखा गया, और चूंकि फरिश्ते सोते नहीं हैं और उन्हें इबादत से और जिक्र से खास मुनासिबत थे, इसलिए उनके लिए ईद रात को रखी गई। शब बरात भी ईद है उनके लिए, शब कद्र भी ईद है उनके लिए। बाद सहाबा से ये बात नकल की गई कि इस रात को दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद ये बात मिलती है कि आप 15वीं शब को, शब बरात को जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, अकेले तशरीफ ले गए, किसी को इत्तला दिए बगैर आप तशरीफ ले गए, और आपने वहां मदफूनीन के लिए
दुआ फरमाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला नहा पीछे पीछे चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये बात इरशाद फरमाई कि आज शाबान की 15वीं रात है, इस रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होता है और कबीले बनो कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, यानी बकसरत लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। इसी तरह एक हदीस में ये बात आई है कि अल्लाह ताला इंसानों को इस रात को देखता है और मग़फ़िरत फरमाता है। अहले ईमान की मग़फ़िरत की जाती है, सिर्फ मुशरिक और कीना रखने वाला ऐसा है कि जिसकी अल्लाह इस रात को मग़फ़िरत नहीं फरमाता। जो अगरचे के सनद के लिहाज से कमजोर हदीसें हैं, ज़ईफ़ हदीसें हैं, मगर मुहद्दिसीन ने उन सारी हदीसों के पेश नजर ये बात फरमाई है कि इनकी कुछ न कुछ असल जरूर मौजूद है, इसलिए बिल्कुल उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या इस रात के फजाइल को बिल्कुल कल अदम करार नहीं दिया जा सकता। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है कि जो हदीसें शब बरात की फजीलत में आई हैं, अगरचे कि वो ज़ईफ़ हैं सनद के लिहाज से, रावियों के लिहाज से, लेकिन उसकी कुछ न कुछ असल मौजूद है। उन रिवायतों में, अक्सर रिवायतों में ये बात मिलती है कि अल्लाह ताला इस रात को लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। एक हदीस में ये बात भी है कि इस रात को दुआ की जाए कि अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें ये रात अता फरमाए तो हमें इसकी पूरी कदर करनी चाहिए और रात को जागकर इबादत करनी चाहिए। कोई खास इबादत इस रात में मनकूल नहीं है, कोई खास वजीफा मनकूल नहीं है, लेकिन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नाम की तस्बीह, नवाफिल, तहज्जुद, तिलावत, दुरूद शरीफ, ये सब ऐसे आमाल हैं जिनकी फजीलतें अहादीस में और खुद कुरान पाक में बयान हुई है। हमें रात को जाग कर इबादत करनी चाहिए, अपने घरों में यकसू होकर अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, अच्छा वक्त गुजारना चाहिए, फजूल कामों से, आतिशबाजी से, चरागा करने से, फजूल खर्ची और इसराफ से, रस्म व रिवाज में लग जाने से अपने आप को पूरी तरह बचाना चाहिए। ये रात अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दी कि पटाखे फोड़े जाएं, इसराफ और फजूल खर्ची की जाए, दौलत और इमारत के तमाशे दिखाए जाएं और सड़कों पर निकलकर शोरगुल किया जाए, टोलियां बनाकर, जमातें बनाकर कब्रिस्तान जाया जाए और रास्ते में लहोलईब और ऐसे कामों में मशगूल हुआ जाए जो अल्लाह और उसके रसूल की नापसंदीदगी के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा कब्रिस्तान जाना साबित है, कोई शुबा नहीं कि कब्रिस्तान जाया जा सकता है, लेकिन उसको लाजमी काम समझना और उसको एक रस्म बना लेना और उसको अपने लिए बिल्कुल वाजिब समझना, ये किसी तरह सही नहीं है। अपनी जगह पर रहते हुए भी आप मरहूमीन को ईसाल सवाब कर सकते हैं। ये न हो कि हम कब्रिस्तान के नाम से खेल तमाशों में लग जाएं, खाने पीने में लग जाएं, दूसरे लहव लईब के कामों में मशगूल हो जाएं, यहां वहां मजलिसें लगाकर
गीबत और बदगोई में मशगूल हो जाएं। इस रात की इससे बढ़कर नाकदरी क्या होगी कि हम बजाय अल्लाह के जिक्र और उसकी याद में मशगूल होने के गुनाह और नाफरमानी के कामों में मशगूल हों। अहादीस में ये बात भी आई है कि शब बरात गुजर कर जो दिन आए यानी 15 शाबान उसका रोजा रखा जाए। ये हदीस भी कमजोर है सनद के लिहाज से, लेकिन उलमा ने ये बात लिखी है कि फजाइल में कमजोर हदीसें भी काबिल कबूल हैं। इसलिए जो हजरात रोजा रखें वो बहरहाल अजर और फजीलत हासिल करने के हकदार हैं। अलबत्ता अगर कोई शख्स रोजा न रखे तो उसे मायूब न समझा जाए, उस पर नकीर न की जाए। जो अमल करेगा इंशाअल्लाह अजर पाएगा। इसी तरह अहादीस में ये बात भी आई है कि इस मुबारक रात में भी कुछ ऐसे महरूम लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। सारे लोगों को बख्शा जाता है लेकिन उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। शिर्क करने वाला ऐसा शख्स है कि जिसको इस रात भी बख्शा नहीं जाता। शिर्क अल्लाह की निगाह में नाकाबिल माफी जुर्म है। आज की रात भी शिर्क माफ नहीं होता। शबे बरात में अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाता। फिर इसे भी समझिए कि एक शिर्क तो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक माना जाए, और छोटे दर्जे का शिर्क ये है कि इंसान रियाकारी और दिखावे की राह पर चले। हदीस में इसको शिर्क कहा गया है, अगरचे कि ये छोटे दर्जे का शिर्क है, शिर्क खफी है, शिर्क असगर है, लेकिन ये भी इसको भी शिर्क कहा गया। बुखारी शरीफ की हदीस में है, मन सल्ला युराई फकद अशरक, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है वो शिर्क करता है, जो दिखावे के लिए रोजा रखता है वो शिर्क करता है। मन सल्ला मन तसद्दक युराई फकद अशरक, जो दिखावे के लिए सदका खैरात करता है शिर्क करता है। आप देखिए कि इस वक्त जबकि मुल्क के हालात खराब हैं और लोग जरूरतमंद और हाजतमंद हैं, गरीबों और मुफलिसों को परेशानियां हैं और उनकी इमदाद का ऐलान किया जा रहा है, तो हमारे बहुत सारे सआदतमंद खुशनसीब बातौफीक भाई ऐसे हैं जो गरीबों की न सिर्फ ये कि मदद कर रहे हैं बल्कि पूरे इखलास के साथ लिल्लाहियत के साथ अजर और सवाब के हसूल के लिए सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए वो ये अमल कर रहे हैं। उनके दिल में ये जज्बा नहीं है कि लोग हमें अच्छा ख्याल करें, लोग हमें खर्च करने वाला बताएं, सखी कहें, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग काम बहुत थोड़ा करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, गरीबों को परेशान वो अजियत देते हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, लेते हुए गुर्बत ज़दा लोग सितम रसीदा लोग इमदाद लेते हुए उनको ये एहसास होता है कि हम लेने वाले हैं, हम परेशान हाल हैं। और दूसरी तरफ दसियों लोग इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी तस्वीरें आम हों ताकि लोग ये ख्याल करें कि हम कैसे सखी हैं, खिदमतगार हैं, माल देने वाले हैं। ये चीज बहुत ही नाजेबा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि हमारा हर अमल अल्लाह के लिए हो। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा,
हदीस में है अल्लाह पाक है वो सिर्फ पाक अमल ही को कबूल फरमाता है। जिस चीज में खोट शामिल हो, नीयत की खराबी हो, अल्लाह ताला ऐसे अमल को कबूल नहीं फरमाता। तो जो बड़े दर्जे का शिर्क है उससे भी बचें, जो छोटे दर्जे का शिर्क है रिया और दिखावा उससे भी अपने आप को बचाएं। हदीस पाक में ये बात भी है कि कीना रखने वाले की भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। इंसान अपने दिल को अपने सीने को बिल्कुल साफ रखे, हमारे दिल में किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल ना हो, किसी का बोझ, किसी का हसद, किसी से हसद हमारे दिल में ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इस हालत में तुम सुबह कर सको कि तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ हो, किसी के लिए तुम्हारे दिल में कोई कीना कपट ना हो, तो जरूर ऐसा करो। शराब पीने वाले की भी शबे बरात में मग़फ़िरत नहीं होती। मुदमिन व खम्र के अल्फाज आए हैं, हमेशा शराब पीने वाला, शराब के नशे में मदहोश रहने वाला, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं की जाती। शराब उम्मुल खबाइस है, खबीस और नापाक चीजों की जड़ है, इससे गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं, इंसान बड़े बड़े नाफरमानी के कामों में मुब्तला होता है। इसलिए अपने आप को शराब से और तमाम नशे की चीजों से बहुत बचाना चाहिए। आजकल तरह तरह की नशे की चीजें आम हो रही हैं और जैसे जैसे जमाना तरक्की कर रहा है नशे में भी तरक्की होती जा रही है। अलग अलग किस्म के नशे ईजाद हो रहे हैं। हर नशे की चीज से अपने आप को बचाना हर साहिब ईमान की जिम्मेदारी है। नशा नापाक चीज है, रिज्सुम मिन अमल शैतान, कुरान में कहा गया ये नापाक चीज है, शैतानी अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा शराब पीने वाले को क़यामत के दिन सख्त तरीन सजा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे हैं और बता रहे हैं कि शराब पीने वाले पर उसके गुनाह का और नशे की आदत का वबाल होगा। इस सिलसिले में हमें इस बात की जरूर फिक्र करनी चाहिए कि हमारे समाज के बच्चे, नौउम्र बच्चे, जवान, उनकी पूरी निगरानी की जाए। मुख्तलिफ इलाकों से बराबर ये बात मालूम हो रही है कि नशे की आदत तेजी से बढ़ती जा रही है और खास तरीके पर गुर्बत ज़दा मुसलमान भाइयों में, झोपड़पट्टी के इलाकों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नशे की आदतों को परवान चढ़ाया जा रहा है और गंदी ज़हनियतें और शैतानी दिमाग इसके पीछे काम कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को, बच्चियों को, नई नस्ल को, दबे कुचले लोगों को बचाने की पूरी फिक्र करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी करने वालों के बारे में भी कहा कि उनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। बदकारी सख्त तरीन गुनाह है, अशद्दु ग़ज़बिल्लाहि अलज़्ज़ुनाद, अल्लाह का सख्त गुस्सा बदकारी करने वालों पर उतरता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में तशरीफ ले गए थे, आपने देखा कि आग का एक तन्नूर है जो नीचे से कुशादा है, मुंह की तरफ बहुत तंग है, उसमें बरहना मर्द औरतें भरे हुए हैं, उनके नीचे आग जल रही है। जब वो आग ऊपर की तरफ उठती है तो वो लोग चीखते चिल्लाते ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन चूंकि दाहाना तंग है इसलिए फिर नीचे चले जाते हैं। फिर आग उबलती है, वो ऊपर की तरफ आते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अज़ाब देखकर जिब्रील अलैहि सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये बदकारी करने वाले मर्द और औरतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हर बुरी बात से, हर बेहयाई के काम से रोका है। यहाँ तक के इस बात की इजाजत भी नहीं दी गई कि इंसान अपने आप को किसी नामहरम और अजनबी औरत के करीब करे, तन्हाई में एक मिनट भी उसके साथ रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई अख्तियार न करे। एक हदीस में है कि जब तन्हाई अख्तियार की जाती है तो उनका तीसरा शैतान होता है। औरत के बारे में फरमाया कि इज़ा खरजत मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान, जब वो घर से निकलती है शैतान उसके पीछे लग जाता है। तो बदकारी भी ऐसा गुनाह है जिसका इर्तिकाब करने वाला बख्शा नहीं जाता, आज की रात उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। अपने लुंगी को, अपने पैजामे को टखने से नीचे लटकाने वाला भी ऐसा शख्स है कि जिसकी आज की रात बख्शिश नहीं होती। ये सब गुनाह ऐसे हैं कि जिनसे अपने आप को बचाना और महफूज रखना इंतहाई जरूरी है। और ये बात भी जहन में रहे कि मग़फ़िरत न होने का मतलब ये है कि अगर वो अपने आमाल पर जमे हुए हैं तो उनकी मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। अलबत्ता अगर कोई ऐसा शख्स जो इन गुनाहों में से किसी गुनाह में मुब्तला है और वो अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, आज की रात अल्लाह के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह ताला ऐसा करीम है कि उसको भी अल्लाह माफ फरमा देगा। 100 साल का गुनहगार भी अगर अल्लाह के हुजूर में तौबा करे, सच्ची तौबा करे, तो अल्लाह की रहमत। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, इरशाद फरमाया ईमान वालो अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को मिटा देगा और तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो खुद खबर देता है कि नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। मेरे भाइयों, शबे बरात को, बरकत और रहमत वाली रात को तौबा में, इस्तिग़फ़ार में, नमाज में, जिक्र में, तिलावत में, अल्लाह ताला की बंदगी में गुजारिए। इस बात को समझिए कि इस रात हमें अपना एहतसाब भी करना चाहिए कि हमने साल भर अल्लाह की रजामंदी वाले कौन कौन से काम किए और हमसे कितनी गलतियां हुई, एहतसाब किया जाए। और इसको भी हमेशा दिल में जगह दी जाए कि सिर्फ एक रात की इबादत करने से काम नहीं बनने वाला, हमें पूरे साल अल्लाह की बंदगी करनी है, पूरी जिंदगी बंदगी में गुजारनी है। सिर्फ एक रात, सिर्फ एक दिन इबादत करना और बकिया दिनों में मासीत और गुनाह की राह पर चलना, ये अच्छी बात नहीं है। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। इंसान की पूरी जिंदगी बंदगी है, उसे एक सांचे में ढलना है, उसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है, उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपने आप को और अपने घर वालों को बेहतर रास्ते पर डालना है। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इस रात की बरकतों से माला माल फरमाए और हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।